हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वो कुछ भी करते हैं, सबसे पहले उसकी अपडेट वो अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देते हैं, ब्लॉग भी लिखते हैं। हाल ही में उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि कैसे वो कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इन सबके बीच खबरें ये भी थी कि अमिताभ बच्चन ने 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मंगाए हैं और उनको वो दान करने वाले हैं। इन सबके बीच अमिताभ बच्चन ने कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज लगवा ली है और इस बात की जानकारी भी बिग बी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए साझा की है। अमिताभ बच्चन ने अपनी एक तस्वीर जिसमें वो कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा रहे हैं, इसको साझा करते हुए उन्होंने लिखा, दूसरा भी हो गया, कोविड वाला, क्रिकेट वाला नहीं, सॉरी, दैट वॉज अ रियली बैड वन। अमिताभ बच्चन का ये पोस्ट सामने आया और लोग उनकी सेहत को लेकर अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं। कुछ लोग उनका जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरीके से फिट रहे, उनकी हेल्थ सही रहे, इसको लेकर ट्वीट कर रही हैं, कमेंट कर रही हैं, पोस्ट कर रही हैं, जबकि कुछ लोग मस्ती भरे अंदाज में कमेंट कर रही हैं। जैसे कि एक अनंत प्रकाश रंजन नाम के यूजर हैं जिन्होंने लिखा, हम जैसे युवाओं को तो अभी तक एक भी नहीं लगा। कुछ यूजर्स ने दिल बनाए, कुछ यूजर्स ने फायर वाला इमोजी बनाया, कुछ ने हंसने वाले साइन बनाए, जबकि एक यूजर ने लिखा, लव यू फ्रॉम अफ्रीका। एक और यूजर है जिन्होंने लिखा, सर आप रात 3 बजे ही पोस्ट क्यों करते हैं? आपको बता दें, अमूमन जो अमिताभ बच्चन हैं वो रात के 2-2, 2:30 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं और इसको लेकर कई यूजर्स कमेंट करते हैं कि सर सो जाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। खैर, इन सबके बीच ये पूरी खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।